सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, मैं अवधेश गोयल, सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय टावा, आज आपको स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित तर्क संग्रह पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करूंगा। अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व तर्क संग्रह पुस्तक के विषय में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं। तर्क संग्रह न्याय शास्त्र और वैशेषिक शास्त्र का प्रारंभिक ग्रंथ है, अर्थात इसमें न्याय और वैशेषिक शास्त्र दोनों ही दर्शनों के सिद्धांतों का मिश्रित किया गया है, जिससे उक्त दोनों शास्त्रों में प्रवेश पाने में सरलता विद्यार्थी को होती है। इसके प्रणेता विद्वान अन्नभट्ट दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। इन्होंने तर्क संग्रह पुस्तिका, तर्क संग्रह दीपिका, व्याकरण में महाभाष्य, प्रदीप उद्योतन और अष्टाध्याय मिताक्षरा एवं वेदांत में ब्रह्मसूत्र व्याख्या आदि कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि तर्क संग्रह ग्रंथ को लेकर काफी हुई है। अब तर्क संग्रह के प्रतिपाद्य विषय की चर्चा करते हैं। तर्क संग्रह के मंगलाचरण के बाद द्रव्यादि सप्त पदार्थों का उल्लेख किया गया है। उद्देश्य प्रकरण में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, यही सात पदार्थ बताए गए हैं। प्रथम पदार्थ द्रव्य के नौ भेद हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। द्वितीय द्रव्य गुण के 24 भेद हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। तृतीय पदार्थ कर्म के तीन भेद हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। चतुर्थ पदार्थ सामान्य है, इसके दो भेद हैं, पर और अपर। पंचम पदार्थ विशेष के अनंत भेद हैं। षष्ठ पदार्थ समवाय के कोई भेद नहीं है। सप्तम पदार्थ अभाव है, जिसके चार भेद हैं, प्रागभाव, प्रधंस्वाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। नाम पूर्वक वस्तुओं को बताना उद्देश्य कहलाता है। इस तरह यह उद्देश्य प्रकरण बताया गया है। इसके बाद लक्षण प्रकरण प्रारंभ किया गया है। लक्षण प्रकरण में ही परीक्षा भी आ जाती है, अतः अलग से परीक्षा प्रकरण नहीं है। लक्षण प्रकरण में प्रथम पदार्थ द्रव्य के भेद पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन का निरूपण करके गुण निरूपण किया गया है। उसके बाद गुण निरूपण में रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या,
परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, इसने शब्द का निरूपण करके बुद्धि का निरूपण करते समय ही बीच में बुद्धि के वेद स्मृति और अनुभवों का निरूपण हुआ है। अनुभव को दो प्रकार बताया गया है, यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव। यथार्थानुभव के चार भेद हैं, प्रत्यक्षात्मक यथार्थानुभव, अनुमित्यात्मक यथार्थानुभव, उपमित्यात्मक यथार्थानुभव और शब्दात्मक यथार्थानुभव। उक्त चारों यथार्थानुभव के कारण भी क्रमशः चार ही बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसके बाद प्रत्यक्ष परिच्छेद का आरंभ करके प्रत्यक्ष प्रमाण में छह प्रकार के सन्निकर्ष बताकर इंद्रियों को ही प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध किया गया है। इस प्रकार इसके बाद द्वितीय परिच्छेद में अनुमान के लक्षण, अनुमिति के लक्षण बताते हुए व्याप्ति, परामर्श, लिंग, सदेतु, हेत्वाभास आदि का निरूपण करके अनुमान परिच्छेद को पूर्ण किया गया है। इसके बाद उपमान परिच्छेद और शब्द परिच्छेद के निरूपण के बाद अवशिष्ट प्रकरण में यथार्थानुभव का निरूपण किया गया है। इस तरह बुद्धि निरूपण प्रसंग में उक्त सभी विषयों को उपस्थापित किया गया है। इसके बाद शेष गुण सुख दुख, इच्छा, द्वेष, यत्न, धर्म, अधर्म और संस्कारों का निरूपण किया गया है। उसके बाद कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इन पदार्थों का निरूपण किया गया है। यह क्रम औचित्यपूर्ण है। इस क्रम से अध्ययन करने पर हमें सरलता से पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। अब हम तर्क संग्रह के मूल पाठ पे आते हैं और मंगलाचरण करते हैं। निदाय हृदि विश्वेशम विदाय गुरु वंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। यहाँ अन्नभट्ट परमात्मा से मंगलाचरण करते हैं। देखिए संस्कृत के सभी ग्रंथों में मंगलाचरण करने की परंपरा है, क्योंकि सभी संस्कृत विद्वान ये मानते हैं मंगलाचरण करने से ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाती है, किसी प्रकार के विघ्न बाधाएं लेखक को या पाठक को प्राप्त नहीं होती है। इस परंपरा का अनुसरण करते हुए सभी विद्वान अपने ग्रंथों में मंगलाचरण करते हैं। यहाँ अन्नभट्ट ने मंगलाचरण करते हुए लिखा है कि विश्वेश परमात्मा को हृदय में धारण करके और गुरुओं की वंदना करके मुझ अन्नभट्ट के द्वारा बालकों को सुखपूर्वक न्याय शास्त्र का बोध कराने के लिए तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की जा रही है। अब उद्देश्य प्रकरण प्रारंभ होता है। पदार्थान नाम विभाग है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावा, सप्त पदार्था। यहाँ लोक में सात पदार्थ बताए गए हैं, वह द्रव्य, गुण,
कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। अब द्रव्य द्रव्याणाम विभाग है। अब द्रव्यों के विषय में बताते हैं। हमने सात पदार्थ लोक में जान लिए कि सात पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। अब इनमें प्रथम द्रव्य है वो कितने हैं, इस बारे में। तत्र द्रव्याणि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्म, मनांसी, नव एव। अर्थ है कि उन पदार्थों में द्रव्यों की संख्या नौ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन। आगे गुणों का विभाग करते हैं। गुणानाम विभाग है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग।